वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट बीना मलिक एंड आई वेलकम यू टू मस्तियां। बावजूद इसके कि लोगों में काफ़ी एक्सेप्टेंस आ चुकी है, राबते की जदीद तरीन सहूलियात मौजूद हैं, आप जब चाहे महबूब का दीदार कर सकते हैं, लेकिन मोहब्बत करने वालों के रास्तों में फिर भी रुकावटें खड़ी हैं। आपकी वो कज़न जिसके घर वाले आपको रिश्ता देने के लिए राज़ी हूँ, लेकिन आपको वो कज़न पसंद आ जाए फिर तो हर रिश्तेदारी कैदो बन जाती। महबूबा का नंबर बिजी मिलने पर लाला अताउल्ला को सुनने वाले क्या जाने कि ऐसे आशिक भी गुजरे हैं जिनकी महीनों महीनों मुलाकात ही नहीं होती। इसी के कमरों में बैठकर घंटों घंटों फ़ोन पर बात करने वाले अगर 5 मिनट सहरा की तपती गर्मी में अपनी महबूबा का इंतज़ार करें तो उनका सॉफ्टवेयर ऐसा अपडेट हो कि ज़िंदगी भर कभी मोहब्बत का नाम ही ना ले। सहरा की तपती रेत का जिक्र हो और ससी पुनों की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। हम आज आपको दिखाते हैं ससी पुनों की लाजवाल मोहब्बत के वो फ़नी पहलू जिन्हें मौरखीन कलम बंद करना ही भूल गए थे। आइए। अखियां नु रहण दे, अखियां दे कोल को जन पर देसिया बोल पावे ना बोल। ब्यूटीफुल। अखियां नु रहण दे। हाय 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 ओए बानो, जदों भी तू इहोजा गीत गानी है तो मैनू रेशमा याद आ जांदी है। ये सारी जिंदगी लंघ गई तुहानू रेशमा नहीं भुली? और मैं तो रेशमा उसे दिन ही भुल गया जदों मेरे पेशे खद्दर पिया सी। रेशमा नूं नहीं भुलिया। 5 वारी सप्प तेरे पैरों तो लंघ गया पर सप्प ने तेनूं डंग नहीं मारिया। वो क्यों? सप्प तो कौड़ी आप है। मैं कौड़ी नहीं, मैं मिसरी हाँ, मिसरी। हाय मिसरी, ये मिसर दा हुसन देख लो जी। और मेरी दुआ है मिस्र च जिथे सारे दी मम्मियां बनियां, ए तेरी भी किथे मम्मी बन जावे। मुझे तो आप कौड़े लग रहे हैं अत्ता साहब। ओए अत्ता नहीं, मेनू अक्का कहो, मेनू कट्टा कहो। क्या मसला है, क्यों आप उससे? मसला की भी को कुड़ी ने गाता बानो ने ते मेनू चंगा लगा भी रेशमा ने कैसे कैसे सोना गाना गाया। अच्छा। जी मैं सोच रहा था कि तियां ते किकरा जवान होण लगियां, देर नहीं लांदियां। ओहो की हो गया तुहानू, मिसाल ते सीधी दे दिया करो। ਉਹ ਕਿਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦਰੇਖਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤਾਂ ਦਰੇਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਅੰਮੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੀ? ਓਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀਵੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟਾਪੂ ਖੇਡਣ ਲਈ ਠੀਕਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਧੀ ਹੈ। ये बानो है तो फिर ससी कहाँ है? वो ससी देखो तबीयत इस तरह दी है। वो सवेरे उठती है ना वो घंटा रेच खेड़ दी। अच्छा। रेच खेड़ खुड़ के जो तो हाथ मुंह धो के बाहर आती है ना तो मैं एडा खुश ना दे नसीबा दे के भी की हुसन दिता रब ने उन्होंने। असी घर दे सारे काम करिए तद भी साड़ी बुराई ते वो वेली फिरदी रहंदी ओदियां तरीफां। चुप कर। तैनूं तेरी मां तरबीयत दिंदी ओ तेरी जाना। मेरी गल सुननी कुड़िया मेरी, पहले मैं ससी व्याहनी है। अच्छा। ओ वेखो मैं ऊंट रेड़ी खड़ी कीती है। ये क्यों खड़ी? चट मंगनी तो पट पिया। अच्छा, तैयारी पिछे मैं दाज रखना। ओ जिथे बोरियां लदियां ने उथे मैं ससी नु बिठाना। अच्छा। ते खावन दे हाथ बाग फड़ानी ते कहना ले जा। आपके बच्चे कितने हैं? मेरी जी एक बानो है ते दूजी ससी। तो बस फिर तो शादियां हो जाएंगी, फिक्र क्यों करते हैं आप? बस मैं दुख इसे गल दा है, इन्हें सारी जिंदगी मेल को नफरत की थी। एक अद्धा पुत्र हुंदा मेरी गद्दी सामने वाला बनदा। शुक्र करो अब्बा जी तुहाडा पुत्र नहीं है, जिद्दां दे ससी दे काम ने ना उन्हें वैसे भी जान ले लेनी सी। खबरदार ये ससी दे खिलाफ को गल की थी, हर वेले तू ससी दे खिलाफ जहर उगलदी रहनी है। बार इश्क पे चल लड़ा रही हो। ए की तू कहन रही है? हां जी। ये तेरी ये गल झूठी निकली ना ते मैं तेरी मां दे पैर छिल देने फड़ के। ए जे सच्ची निकली फिर? फिर तेरी मां ने पूरा मेनू छिल देने। उस्ताद जी मुबारकां हों। उस्ताद जी मैं सदके लख लख मुबारकां। उस्ताद जी लख लख मुबारकां। ये कौन है? ए मेरा डिलीवरी बॉय है जी। ओ मैनेजर। ओ सुना सारा काम अज कीता ही? ये देख नहीं सकता क्या? नहीं मुंडा बहुत तेज है तो थोड़ा जमीन भी तेज करना पैंदा। उठे। हां जी उस्ताद जी। उस्ताद जी मुबारक होवे, मैं सारा काम अज नबेड़ के आ गया है। ओ जिंदार ये ठीक है? थोड़ा मुझे एडिक्ट टाइप लग रहा है। ओ नहीं नहीं अभी हल्का जा नशा पता करदा है, छड़ देगा आखिर। चिट्टे दूध कपड़े हो गए उस्ताद जी सारे। चंगा कीते वे ना, मेरे को काम सिखया हुण चिट्टे दूध ही होने चाहिए। उन्हां नूं मैं नील दित्ता है कपड़े न। इंज मैं धो के नचोड़ के ते सुकने पाए ने तार दे उत्ते उस्ताद जी। अब हरक मेरी अख लग गई है ते नेरी आई है बड़ी जबरदस्त किस्म दी। शेरा ओ स्यापा पाता यार, हुण लोकां दे कपड़े नहीं होणे, उन्हां मेरे कपड़े पाड़दे ने
ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਰੋਵੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਵਾ ਕਿਆ ਹੱਲ ਹੈ ਮਹਿਕਮੇ ਮੌਸਮੀਆਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੁੱਠੀ ਨੇਰੀ ਚੱਲੇਗੀ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉੱਡ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਸੁੱਟੋ जेड़े कपड़े चो मैल नहीं ना निकलदी फिर बतौर डंडा सी इहनू इस्तेमाल अपना जलेबियां कढ़ने वाले चिमटे लै जाते उत्थे पिछे जा के रहे सारे इस्त्री करके ते तह ला इन्हां नूं सासू मांगे कूकड़ी ओ मैं वारी हो जाऊं खाऊंगी कठारी थारे बिना थोड़ी आए जाए थोड़ी आए जाए निंदिया वाह पाजी ये कौन ने ये किस दा हवा च उड़ के खैमा साडे घर आ गई यार ठीक ठाक तबीयत ठीक जी ताड़ी देखी मुड़ के तेल लाके तेनू कढ़ना पवे कुर्सी चों ये बन दा उस्ताद है जी आखरी सम्राट और सुनाओ तबीयत ठीक ठाक जी सुनाओ सम्राट साहब किस तरह क्या कहने ये सारे दा सारा बंदा ही है उस्ताद जी ये साडे जी बंबोर दे बहुत मशहूर गुलूकार है ये तुसी एदा ही समझ लो ਸਾਡੇ ਸਹਰਾ ਦੀ ਇਹ ਬੁਲਬੁਲ ਹੈ ਐਡੀ ਸੁੱਜੀ ਬੁਲਬੁਲ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਬੈੰਦੀ ਹੋਣੀ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਆਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਬੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਆਪਕੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਬੋਰ ਕੀ ਕੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਹਿਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਥਾ ਔਰ ਕਰੀਨੇ ਕੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਵਹਾਂ ਕੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਕੀ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਬਸ ਹੁਣ ਬੰਦਰ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਗਾਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਬ ਤੋ ਖੈਰ ਉਸਕੀ ਬਾਕੀਆਤ ਮੇ ਸਿਰਫ ਟੂਟੇ ਫੂਟੇ ਘਰ ਔਰ ਉਨਕੀ ਬੁਨਿਆਦੇ ਹੀ ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਓ ਭਾਈ ਸਮਰਾਟ ਜੀ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਨੂਰਾ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਲੜਾਣੀ ਹੈ ਐ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੋ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਕੱਲੀ ਨੇ ਜੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੜਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਅੱਤਾ ਧੋਬੀ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਰ ਲੈ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਓਏ ਆਸਤੀਨ ਕੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਆਫੀ ਸਾਹ ਬਾਨੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਫੱਟੇ ਖੇਡ ਦੇਣੇ ਆਖਰ ਸ਼ਗਿਰਦ ਕਿਦੀ ਹੈ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਜੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜੇ ਉਹ ਸੁਣ ਤੇ ਲਵੋ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਬੋਰ ਦੀਓ ਕੁੜੀਓ शेर बंबोर दियो कुड़ियो वाह ये तो मेरे तो भी सुरी लगा रही उसी नक विच नथ ना पायो उसी नक विच नथ ना पायो ओ तेनु की होया उस्ताद जी मेनु मेरी अम्मी याद आ रही है ओ तू मेनु दसया ही नहीं ओ तू रेशमा दा मुंडा है ओए आज तो तू मेरा उस्ताद ते मैं तेरा शागिर्द चल फिर दो हाथ ला मतलब अपने पैरों से भी खलोएगी उतर इस तरह के टप्पे गाने ने तू मौजूदा हुकूमत ते जी उस्ताद जी बार बरसी खटन गया ते हो ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਨੁਕਰ ਆਹਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਮੁਕਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਆਪਕੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਰਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਵਾਰੀ ਬਰਸੀ ਖੱਟਣ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋ ਖੱਟ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਮੀਟਰ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਟਾ 2300 ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ 300 ਦਾ ਲੀਟਰ ਇਹ ਆਟਾ ਬੜੇ ਅਪਡੇਟਡ ਹੈ ਆਪ ਕਿਹਦਾ ਲੱਗਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ ਆਪਕੀ ਬੜੀ ਨਵੀਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਨੱਚਦਾ ਹੈ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਲੋ ਜੀ ਬਾਨੂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿਓ 10000 ਰੁਪਏ ਲੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 10000 ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋ ਲੈਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਰਾਕ ਇਹਦਾ ਧੋ ਕੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ 7500 ਦਾ ਸਾਬਣ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਫਰਾਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਧੋਈ ਤੇਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਗਾ ਓ ਹਾਇਓ ਰੱਬਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਹਾਇਓ ਰੱਬਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਦਿਲ ਮੇਰਾ
मैं सदके जावा मैं सदके मैं वाली मेरी ती मेरी रानी सलाम मां जी ये कौन है ये जी सहरा दे विच बरात जा रही सी अच्छा इस दुल्हन दा खावंद कत्ल हो गया ये भी मर गई सुने दी रूह फिरदी है ये मेरी सस्सी है सीरियसली ये सस्सी शर्म हया देखो सिर तो दुपट्टा नहीं लैन दंदी क्योंकि इथे दरमियान च बाल चढ़ होया सस्सी है की गल है अब्बा पुत्र किथे सा तू अब्बा मैं मेरे बे गई हुई सा झूठ बोल रही है ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਫੁੱਫੀ ਵਾਲੇ ਮਰੱਬੇ ਨੇ ਸਹਰਾ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਸਹਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਸਾਹ ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਅੱਬਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਬਾਜਾ ਵਜਾਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਬਾਜੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇਹ ਬੇਵਾ ਅੱਬਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਸ਼ਲਾ ਅੱਬਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹਿਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਦੀਆਂ ये कौन है मैं वो शहजादा होर सी आरफ लोहार दे पीछे डांसर नहीं है ये कौन ने उस्ताद जी ये मेरे ख्याल नसीबो लाल दे मामे ने तो पहली बारी लाहौर आए ने अब्बा जी इहदी गल करो यही तो शहजादा जेड़ा मैनू पसंद आया है ओ हाथ धोते तो नहीं इधर फड़ा दे मैनू अपना हाथ चाचा जी मैं तुहाडे घर दा हीरा लैन आया ये प्यार अज दा नहीं ये अजलां दा प्यार है अजलां दा प्यार इहदा मेरा इश्क उदों शुरू हो गया सी जो मैंने पहली बार साबुन लैके दिता सी नहीं आ मुड़िया साढ़े तोबी खानदान भी कुछ असूल ने जे तू सस्सी का विह करना तो कुछ देर रह के तेन इतने लोगों के मैले कपड़े धोने पैणगे छक्का भी नहीं वजद की करते असल में तो सस्सी भंभोर के राजा की बेटी थी जब वो पैदा हुई तो एक हिंदू ज्योतिषी ने उनके बाप को कहा कि आपके लिए ये लड़की मनहूस साबित होगी और उस जमाने में क्योंकि ज्योतिषियों की बातों पर लोग बहुत ज्यादा एतबार भी करते थे और अक्सर अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर भी कर दिया करते थे और जब ये बात सस्सी की माँ को पता चली तो उसने अपनी बेटी को बचाने की खातिर लकड़ी के एक संदूक में बंद करके दरियाए सिंध में बहा दिया और यूं एक धोबी जो दरियाए सिंध के किनारे बैठा कपड़े धो रहा था उसने जब ये संदूक देखा तो उसने ये संदूक खोला और उसमें उसको एक प्यारी सी लड़की नजर आई और यूं वो उस लड़की को अपने घर लेकर आया और उसे पाल पोस कर बड़ा किया बैठ सस्सी को प्यार दिए गल्लां ही कर लिए ये सस्सी की कौन सी अदा आपको बहुत अच्छी लगी असल ते बिना जी ठहरा दी हवावां चलियां अच्छा जी वाव रौला नहीं फिरदा है टोरनेडो हां सस्सी ओदे विच सी धुआं ही धुआं निकल रिया सी उत्थे अच्छा हां जी अगे जाके मैं देखिया ये उत्थे सीढ़ ला के बैठा सी ये आपके भाई है ए मेरे भरा ने टिंगू अच्छा लंबू हां ओ छोटू पुनू वाकई तेरे भरा नहीं है किला द्रावड़ के चौकीदार ने माफी चाहना है सॉरी टाइमिंग नहीं रली उन्होंने ओए मुड़िया पुनू ये रिश्ता नहीं होना इतने बड़े हुक्मरान का बेटा है रिश्ता लेने आया कर देना शादी अब्बा जी ए मैं तुम्हारे पैरे पहनी हूँ मेरा रिश्ता पुनू दे नाल कर दियो नहीं सस्सी ओ केड़ा एपिसोड होगा जिस तेरा दिमाग खुलेगा ओडे फड़ के पैरों में कह दी नहीं सस्सी मैं तेन इन्हें प्रदेशिया ने नहीं तोड़ सकता अब्बा यह जुलम न करी ये कैसे ऑर्डर्स पास हो रहे ए दे अब्बा तेरी ती भुखी नहीं मरन लगी लगता है ग्रीस सीधी इंगल ना नहीं निकलनी बाबा ले आओ चल चाचा उठ उठ चल मेरे अब्बे वाल कोई कदम ना बधावे ओए अगे लग ओए वैसे बाबा मेनू प्यार ना करना इनू ले जाना ते ले जाओ ऐसे आ चाचा मेरा बुड्ढा बाप है जरा आ इधर आ नहीं तो आपको पुन्नू में क्या खामी नजर आ रही है दे दे अपनी बेटी का रिश्ता पुन्नू च कोई खामी नजर नहीं आ रही तो मैं उदा नसीब देख रहा पुन्नू ने सस्सी नहीं रखनी नहीं रखनी अब्बा मेनू अपने घर बसन का शौक है मैं जे बसांगी जिवें सौण भादरों दा मीं बसदा हाय मेरी धी सस्सी दे ढाई लाख सुन के बोर नहीं होया तू अच्छा गल पता की है दस मेरा पुत्र मैं कोई पुन्नू छुन्नू नहीं है असल चाचा जी मेरे भरावां दा बिजनेस है रिछ ने चाहुंदे ने मुंडे रिछ ने चाहुंदे ने हाँ जी इन्हां दा रिछ दौड़ गया सस्सी सानू उहदे लई चाहीदी साडे सारे फंक्शन रुके हुए ने रिछ नचावे गली गली देखो ना तुम मेरा त्राह करता आके इन मामूली जी गल की खातर तुम अत्ते धोबी चुके तो इतने लिया एडी भागा वाली है इतने पांच बारी रिछ रेस होई है ये फर्स्ट आई है सानू इसलिए भी चाहिए कि जो मजमान उठता नहीं गा ना उसने खबरे होर तमाशा होना है ये उत्थे बोर बोर गल्लां करेगी सारा मजमा भी टुट जाएगा और नहीं हो बुढ़िया
ये मैं सस्सी तुहाडे नाल तोड़ दित्ती इस तरह तो मेरा कारोबार बंद हो जाएगा ना उठे गया तो तू समझ मैं कतल हो गया मेरी गद्दी ते बह गया। यहाँ तो कोई और ही कहानी चल रही है मगर हकीकत में ये हुआ था कि जब पुनो ने सस्सी को पहली बार देखा था तो उसे सस्सी से मोहब्बत हो गई थी। वो सस्सी का रिश्ता लेकर सस्सी के वालिद के पास आया तो सस्सी के बाप ने कहा कि मेरी एक शर्त है कि तुम मुझे कपड़े धो के दिखाओ। पुनो ने यह शर्त मान ली और सस्सी के लिए उसने कपड़े धोकर दिखाए। इस तरह सस्सी और पुनो की शादी हो गई। जब पुनो के भाइयों को पता चला कि हमारे भाई ने किसी धोबन की बेटी से शादी कर ली है तो वो दौड़े दौड़े आए और पुनो से कहा कि हम तुम्हारी शादी का जश्न मनाना चाहते हैं। लिहाजा रात को जब वो इकट्ठे हुए उन्होंने पुनो को मशरूब पिलाया और मशरूब में उन्होंने कोई नशावर चीज़ भी मिला दी थी। यूं वो पुनो को बेहोश करके ऊंट पर लादकर वापस मकरान लेकर गए और जब सस्सी को पता चला कि पुनो के भाई उसे यहाँ से ले जा चुके हैं तो सस्सी दौड़ते हुए सहरा में निकल गई। और कहानियों में लिखा है कि दोनों की मौत सहरा में एक दूसरे की तलाश में हुई। ओए मुड़ियो ये जो तुसी कह रहे हो ये नहीं जे मैं होण देना सस्सी भी इत्थों जाएगी। ओके चाचा जी इजाजत दियो मैं माफी चाहता चलो ये मुंडियो मैं नहीं जान देंगे अच्छा अपनी बांदरी उथे कर मैं नाल जावांगी पुन्नू मैनू कल्या छड़ के ना जावीं मैं मर जावांगी। नहीं सस्सी तू इन्ना प्यार कर रही सू पुन्नू नाल और जदों साडा डीजल तेरे पैरां ही डुल गया ते असीं ढकण वाले कौन हुंदे आ। ले जा पुत्र जान तो पहले सस्सी दा गिट्टा वेख ला बाद च वापस चाचा एडा मैला गिट्टा ये तो अज मैं वेख्या तेरी मेहरबानी वर्कशॉप दा कारीगर उठा लै उधर जान तो पहले सस्सी दा खुसा वेख ला चिट्टे रंग दा सी 15 मिनट बाद ए होया ही छड दे मैं नहीं मैं तेरे नाल जावांगी मेरा भरा नहीं लगदा छड ओए ते कोल छडाओ मैनू ओए वीरा तू जाने ते सस्सी असी चले आ ओ पुत्र ओ गत्ते दा तीर हुंदा है चाचा लै ले छड ना पुत्र तू ख्वाहिश कीती अल्लाह की कसम चाचा मैं कोई और चीज ले लगा पुत्र मैं सस्सी तेनू दित्ती चाचा जी वेख लो मेरा पजामा डिग जाना तेरा पजामा मैं फड़ लैना बस इनू ले लिया सस्सी की गल है उठ मैं तेरी लस्सी मंगाई उठ लस्सी होवे ते भावे मक्खन होवे मेरा ते सारा खोया तू है। यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का स्टे विद अस। वेलकम बैक टू मस्तियाँ। अगर आज की औरत को अपने हकूक के लिए मार्च करना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि 2000 साल पहले की औरत के कहीं ज़्यादा हकूक थे जब मिस्र जैसी अजीम सल्तनत पर क्लियोपेट्रा की हुकूमत थी। भाई वाह खूबसूरती हो तो ऐसी। 2000 साल गुजरने के बाद भी मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड का टाइटल होने के बावजूद भी आज भी खूबसूरती का सितारा क्लियोपेट्रा ही है। एक तरफ महलाती साजिशें दूसरी तरफ बनाओ सिंगार ये क्लियोपेट्रा की लाइफ कितनी मुश्किल होगी ना। मौरखीन आज तक कंफ्यूज्ड है कि क्लियोपेट्रा हसीन ज्यादा थी या फिर ताकतवर। आज आपकी मुलाकात करवाते हैं क्लियोपेट्रा एंड पोथाइनस से। वेलकम टू मस्तियां। मैं तो सख्त नाराज हाय वाय पोथाइनस वाय तुमने चीट कीता है। मैंने अगर तुमने दस्या हुंदा ना तुसी इस वैशी औरत नु सदया ते मैं अपनी दोजक दी मसरूफे छड़ के कदी ना आंदा। नहीं नहीं क्यों नफरत थी आपको इससे क्यों इसे नापसंद करते थे ये तो दुनिया की हसीन तरीन औरतों में से एक थी। उसे उन कैलो पत्रा समझ दो। I guess एक कोला पत्रा है। कोला पत्रा क्या? कोले वर्गी काली ते पत्रे वांगू तेज। वैसे क्लियोपेट्रा तारीख में जो सबसे बुरी चीज है ना आपके हवाले से वो है आपकी टांगे। कोलो पत्रा नु रेच दिया लता लगी आने क्यों इन्ने वाल। क्लियोपेट्रा हमने तो आपके हुस्न के इतने किस्से सुने हैं। इंतहाई दिल फेंक खातून सी मेरी ये दिल लाइफ फ्रेंडशिप तुंदी सी जितने मैं फ्रेंडशिप बनानी से ना। अभी देखें आप बैठे बैठे अपना जेंडर तो चेंज ना करें आपका तो नाम ही बॉयश है पोथिनस। मेरी ड्यूल पर्सनैलिटी सी। अच्छा जो मैं लड़ाई करना सा थी उदो मैं मर्द होना सा जो मैं फारग होना सा थी उदो फिर मैं ऐ होना सा। पोथिनस तुमने अपनी कभी बूथीनस देखी है? वैसे क्लियोपेट्रा इधर जो आप मुदब्बर बन के बैठी हुई हैं आप इतनी कोई अमन पसंद या कोई अच्छी खातून नहीं थी बहुत जालिम रही हैं आप। नहीं क्लियोपेट्रा अपनी आवाम के लिए बहुत जबरदस्त हुक्मरान थी। साजिशी तो थी ना कंस्पिरेसीज करती थी। हाँ ओवर एम्बिशियस तो थी आप। दिलजीत जी वैसे बड़े अफसोस की बात। क्यों? अगर इस तरह के दो टके के लोगों ने मेरे बारे में बात करी तो मुझे बुलाया क्यों आप? इतनी आवाज ही रहीम यार खान दे बस कनेक्टर वर्गी। क्लियोपेट्रा सात जबानें जानती थी और कहत के दिनों में अपनी आवाम के लिए टैक्स तक माफ कर दी। कहत आता भी तो उनकी अपनी हरकतों की वजह से था। मेरे नन्ने मुन्ने बच्चे ने बहुत अच्छी गल की थी। एक जगह चौल वंडी थे पोथिनस ने अपनी टोपी ला के कहंदा लाही खैर है चपा। वैसे बिना मेरा यहाँ पर एक सवाल था कि 100 रुपया चाहिए। सवाल सुन तो ले मेरा ये सवाल है कि हमने दो राइवल्स को एक साथ क्यों सेट पर बुला लिया। एज वी ऑल नो कि क्लियोपेट्रा मिस्र की मलका थी उनके वालिद टॉलमी 12 की जब डेथ हुई
तो जाहिर बात है उस सीट का जो हकदार था वो क्लियोपेट्रा का भाई था, लेकिन उस वक्त क्योंकि क्लियोपेट्रा के भाई की उम्र बहुत कम थी तो लिहाजा सल्तनत के अमूर को चलाने के लिए एक रीजेंट की ज़रूरत होती थी, जिसके लिए पोथाइनस जो था वो बहुत सूटेबल था। तो दैट वॉज द टाइम बेसिकली जब सल्तनत के अमूर चलाने के लिए पोथाइनस को टॉलमी 13 का को चेयरमैन बना दिया गया। को चेयरमैन आई मीन रीजेंट, वजीर। अच्छा, और यहाँ से शुरू होती है पोथाइनस एंड क्लियोपेट्रा की राइवलरी, क्योंकि क्लियोपेट्रा बहुत स्किल्ड थी, बहुत काबिल थी, और पोथाइनस के लिए बहुत बड़ा एक थ्रेट था। लिहाजा पोथाइनस ने साजिशें शुरू कर दी, क्लियोपेट्रा को बहुत दफ़ा कत्ल करवाने की उन्होंने कोशिश भी की। और सिर्फ यही नहीं, टॉलमी 13 और क्लियोपेट्रा दोनों बहन भाइयों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया, यहाँ तक कि नौबत जंग तक पहुँच गई। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि प्रॉब्ली ये शायद तारीख के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ट्रांसजेंडर्स में से एक था। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है खुसरा। तू मेरे हाथ थले नहीं है, बल्कि तू मेरी दाढ़ थले नहीं है, वरना तू इंजन कहना खुसरा। इस तरह किसी ने कही दिन खुसरा भी अज्ते तुहाडे दौर में जिते तुसी ख्वाजा सरावां दे डांस वेखते हो बड़ी मेरे मोहब्बत करते सन, बड़ी शफकत करते सन। ए छोटा भरा उन्होंने मेरी गोद च पा के मैं दुनिया छड़ के जा रहा हां, अज तो बाद तू ही मां है। दूसरा बादशाह ना बिगल वजदा जो आंदा गुड्डी वांगू अज मैनू सजना उड़ाई जा फिर शो बंदे जी अफसरां दे मुंडे पागल हो। अच्छा कलो पत्रा वर्गा मलंगना अद्धा घंटा धमाल पा के बाद चुराला सट्टन लग पा। यहो जी बेरी नू थले थले ही बेर लगे होंगे, उत्तों गंजी होंगी। अच्छा क्लियोपेट्रा वो इतनी मेहनत करती थी आपके भाई के लिए, आपने अपने भाई के लिए क्या किया? ये थे अपने भाई नू खराब करना चाहती थी। ये क्लियोपेट्रा से आपको जेलस थी, उसकी ताकत की वजह से थी, उसके हुस्न की वजह से थी, उसके मुआशकों की वजह से थी? हर तरह से जेलस थी मुझसे, खूबसूरती, मेरी बहादुरी, मेरी दरिया दिली, हर चीज से चिढ़ती थी। बल्कि किसी सारी जिंदगी नजले की दवाई नहीं ली मेरी, सड़ दी तेरे को जुत्ती। ये असल ये है, टॉलमी को वो ये बनाना चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी कि टॉलमी इसके जैसा बन जाए। अब देखो कलो पत्रा का बच्चा भी कोई नहीं गा, तो वाला ना कितनी टाफियां टंगी हैं। ये स्टाइल है पेंडू आदमी। फैशन स्टेटमेंट तो बहुत जबरदस्त है। ये बिल्कुल सच बात है, क्लियोपेट्रा वाज सो फैशनेबल। ये जो रेड लिपस्टिक है और रेड नेल पेंट है ना, इसकी रिवायत क्लियोपेट्रा ने डाली। अरे पूतना से एक बारी शाहकोट चला गया फंक्शन करन। अच्छा ओए होए, ओथे उन्होंने डेक चलाया ते बत्ती चली गई। उन्होंने ट्रैक्टर स्टार्ट करता, सारी रात पिट 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 ते नचदा रहे है। एहो जी मूर्त ना तलवार वाल वेख के सुरखी ला रही हुंदी। ये आपने इतनी कतल की साजिशें की क्लियोपेट्रा के ऊपर, कोई कामयाब क्यों नहीं हुई? वही मैं तुम्हें दसना चाह रही सी, क्योंकि मैं जदों भी खिलाफ कोई साजिश करन लग रही सी ना, हां ते मेरी ऑडियो लीक हो जांदी सी। अच्छा यानी कि जो आज तक हो रहा है वो पहले भी होता था? ये रिवायत कहीं से चलती आ रही है। एक बारी पूतनस नु पुलिस लेके चौके पहला छितर वजिया, कहंदी हुई मैं मर गई, दूजा मारिया हुई मैं मर गई, तीजा कहंदा हाय मैं मर गया। आडियो मेरी जड़ी लीक हुंदी सी, मैं बड़ा गौर खोस कीता कि कौन करता है। इस चलाक औरत ने तोता रखिया सी। ओ पाए तोता। ओ ते मेनू बाद पता लगा कि ए तोता मेरी गुफ्तगू सुनदा है, ते जाके कह लो पत्रा नु सारी गल दसदा। मैं ते कमरे च जिंदा सप सुटिया, इन्ना मिंटां बाद आ कहंदी सारा जहर पी लिया, सब खाली हो गया, गो अच्छी कंपनी ने सब। तारीख में आपको हुसन की मलका, जहरीली नागन, बेवफाई की अलामत, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। आपका फेवरेट टाइटल कौन सा है? ये सारे इल्जाम है मेरे पे। मेरा फेवरेट है बाबा की डॉल। कौन है? बंगाली बाबा की डॉल। बंगाली बाबा की नहीं, मेरे पापा। अच्छा पापा। टॉलमी द 12th। अच्छा। उनकी डॉल थी, हमेशा मुझे रानियों की तरह, गुड़ियों की तरह पाला उन्होंने। पापा की प्रिंसेस थी आप। आपके फेसबुक अकाउंट भी होंगे फेक किस्म के बॉस। बिल्कुल मासूम बेटे, क्योंकि दुनिया वाले ने क्लियोपेट्रा देखी नहीं। हाँ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने तो देखी थी, वैसे सिक्कों पे जो क्लियोपेट्रा की पिक्चर है उसमें बड़ी लंबी सी नाक और मर्दाना वजाहत है, तो लोग अक्सर ये कहते हैं कि इतनी खूबसूरत थी नहीं। इन्हें दुनिया पागल की थी, इसे फ्रॉड लाया इसी जादूगरनी ने, इन्होंने बड़ा बड़ा हरेस किया। आपको हरेस किया? इनके जो दीगर मशागिल थे, इनके पास तो वक्त ही नहीं होगा हरास करने का। भाई आप क्या कह रही हैं, ये
आप मुझे टॉन्ट कर रही हैं? नहीं, जो तारीख कह रही है आपके बारे में। दीगर मशागल से क्या मतलब है आपका? सारी दुनिया तेरे दीगर मशागल नू जानदी है। अपने हाथों बाहर ना निकल। जिदे जिदे तुहाडे कादा किते गड्डियां लुटो किहड़े काम पए। अच्छा मलका, आपको पुरस्कार कहा जाता था, क्यों कहा जाता था? देखो बहन मेरी, मुझे पुरस्कार इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट थी, बहुत अकेली रहती थी और मुझे सच्चा प्यार भी नहीं मिला। ओह माय गॉड, अद्दा मिस्टर अपने अच्छे तेरे नकान में लेके फिर रहे। अच्छा बिना, वैसे मैं कुलपेत्रा से एक सवाल पूछना चाहती हूं। यस। आपका हुसन बहुत ज्यादा फेमस है, तो आप इसको मेंटेन कैसे करती थी? मुल्तानी मिट्टी। वैसे अब मैं सोचती हूँ कि ना हुसन केड़े काम था। क्यों, ऐसा क्यों सोचती? उस दौर में अगर 50 मेगापिक्सल का कैमरा होता और मैं भी पाउड बना के सोचो लेती। तेरे दिल की ख्वाहिशें पता नहीं कदों पूरियां हो गईं। एक मुसव्वर आया, उन्हें दी एडी खूबसूरत तस्वीर बनाई है। हाँ, पेंटिंग्स तो बहुत मशहूर है इनके। जब उन्हें मेकअप तो बगैर देखे है, फिर तो उसे पेंटिंग ने मुछा बना के चला। हाँ वीना जी, क्या करना, इतनी ब्यूटी का आज आप लोग मेरी बातें कर रहे, लेकिन मुझे सच्चा प्यार तो नहीं ना मिला। क्लियोपेट्रा, ये बताएं कि ये जूलियस सीजर से मिलने आप कारपेट में क्यों गई थी? आपने वो कारपेट अरेंज कैसे किया था? मैंने रग बेल फोन किया एक पठान को, मैंने कहा हाजा कारपेट। उन इश्क ही अन्ने की थे, उन पता नहीं मैं बंदा कितो सदने। सच्चा इश्क नहीं मिला। इनकी और जूलियस सीजर की दास्तान इश्क इतनी मशहूर थी कि लोग कहा करते थे कि अगर जूलियस सीजर इस पे ज्यादा ध्यान ना देता तो इतना कमजोर ना होता। एक खूबसूरत नहीं सी, खूबसूरत नहीं सी, मेरी गल मान लो। वीकेंड ते जदों सिर नूं तेल ला के महल च फिरदी सी ना, अच्छा इंज लगदा सी मिस्त्री नूं छुट्टी होई। अच्छा बिना, क्लियोपेट्रा का करेक्टर यूं तो बहुत ज्यादा फेमस है, इस पर मूवीज कितनी बन चुकी? क्लियोपेट्रा के ऊपर बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, तकरीबन 10 से तो ज्यादा ही होंगी, और बहुत सारी खूबसूरत खवातीन ने क्लियोपेट्रा का रोल भी किया है। बट माई पर्सनल फेवरेट सो फार इज एलिजाबेथ टेलर। She has done the justice with the character. वैसे ये ना, मुझे लगता है आप बड़ी fascinated हैं क्लियोपेट्रा से, क्योंकि आपने भी red lipstick, nail polish और earrings पहने हैं। I like red color anyway. आज माशाल्लाह लग रहा है कड़ी वाले पतीले जो सिर निकले हैं। बिना जी एहो जिहा मुंडा नहीं, वो मोटा ये मूंछ बुरकी पावे ना बुरकी थले तक जाने करें जी, ओए मैनू Amazon दे जंगलां सुन। यहां पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, stay tuned. मस्तियां में आपको एक बार फिर वेलकम करते हैं। रोजे का ख्याल कर लो, उठो रोजेदारो, रोजे का ख्याल कर लो, उठो रोजेदारो। आपको अने शो चल रहा है यहाँ। बीबी है ऐसी रोजे जगाने वाले, होर कौन है ऐसी? चिड़ी साईं प्रातड़ा। आप गलत जगह आ गए हैं, यहाँ तो सब जागे हुए हैं। पुत्र तू चुप कर, चिड़ी रोजा तो रखना होता। आप लोग यहाँ क्यों तशरीफ लाए हैं? असीं अपना मुजरम तुहाडे कोल लै के आए तुहाडे प्रोग्राम दे विच। इह बंदे ने साडा इलाका मल्लिया है, 16वें रोजे आउंदा जे, असीं पहले रोजे तो जगाउण वाले बंदे आ दोवें जणे। इना जी मुझे लगता है इन्होंने अपने अपने इलाके मुतय्यन किए हुए। हाय हाय हाय, इलाके ते एमएनए एमपीए दे हुंदे, साडे कदे इलाके जनाब, असीं तां जगाउण डए आ। चिड़ी साईं आ गया प्रातला, हुण तुसीं फैसला करो जी, ये अपना रिजक कमाण, असीं अपना कमाईए, इन्हां नूं की तकलीफ है? अपना चिड़ी साईं जी सर, केड़ी चिड़ी जिन्हें पूरी बोरी दाने दी पानी पैंदी पर 11 महीने तुहाडी जुबान बंदी हुंदी है, इस महीने च आ के तुहाडी हद बंदी हो जांदी है। ताड़ी बकवास बंदी नहीं हो सकती। पहले रोजे से लेकर आखिर तक कौन जगा रहा है? असी पहले रोजे तो जगा रहे हैं। और बाद में एंट्री किसने दी? मैं 16वें रोजे तो चिड़ी साईं। तो फिर आप पिछले 15 दिन से क्या कर रहे थे? ये चिड़ी साईं ने दूजे रोजे सिंध अपनी भैन नूं ईद देण जांदा है, उतो उस ट्रेन ते बंदा जिहड़ी 15 दिन बाद इत्थे पहुंच जांदी, फिर आके इस ड्यूटी ते खलो जांदा है। चिड़ी साईं प्रातला। लेकिन इनके इलाके में क्यों आए हो? अपना खुद का इलाका नहीं है कोई? जेड़ा साडा इलाका है वही इनका इलाका है। ओ भाई, वो पहले दिन से जगा रहे हैं। ते मैं 16वें तो जगा रहे हैं, मैं गलत जगा रहे हैं? यार सिटी साई, तू गल गलत कर रहा है। देखना जो पैसे मिलने ने, ईदी मिलनी है, कपड़े मिलने ने, मिठाइयां मिलनियां ने, वो इको जी मिलनियां ने, उन्होंने 15 दिन की मेहनत कितने की? ए रात को आइया करना, मैं ईद वाले दिन आइयांगा। ए रात को 12 बजे किसी को उठा के चपेड़ा खा लेना। माहे रमजान बहुत अच्छा लगता है जो सुबह उठाने आते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक फेड आउट होती रिवायत है जिसमें तहरी के वक्त लोगों को जगाया जाता है। वैसे हमारे एशियाई मुल्कों में देखें तो मुख्तलिफ तरीके होते हैं, इसमें ढोल बजाए जाते हैं, दफ बजाई जाती है, टोलियों की सूरत में लोग हमदो नात पढ़ते हैं, लोगों को जगाते हैं। और बाकी मुल्कों में देखें ना, बड़े खूबसूरत रिवायात हैं। जैसे सूडान में बाकायदा मसाहराती के साथ एक बच्चा होता है और उसके हाथ में लिस्ट होती है पूरी कि किन किन घरों को जगाना है।
वो डोर टू डोर जाते, लोगों का दरवाजा नॉक करते और उनको उठाते। अच्छा एक लिस्ट दी के पंजी कर था कि बच्चे ने जगाना मुर्गे नहीं जगाना। तो इसी वजह से तो वहाँ लड़ाई नहीं होती ना इस तरह की, मेरा इलाका है मेरा इलाका। अच्छा 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 कि उस तो अगे अगले लोग उठा जी। इतनी अच्छी गल है, जो तो फड्डा मकाना हो बिल्कुल, जो नहीं फड्डा मकाना हो तो फिर चिड़ी साई आई जाए। चिड़ी साई प्राताला। और मिस्र में तो और भी खूबसूरत रिवायत है, हाथों में लालटेन पकड़ के डोर टू डोर जाते, उनका नाम लेके घर वालों का और उनको जगाया जाता है। मतलब कि मिस्र च लोड शेडिंग होंगी, यहाँ को लालटेन तो उन्होंने को अलार्म लाया होता है। नहीं मैंने लगता सुते बंदे तो लालटेन बल्दी छोड़ देंगे आप ही उठ के। एक महीना तो आप लोगों को जगाते हैं, बाकी 11 महीने क्या करते हैं? ऐ बरकत वाले महीने का इंतजार, ऐसे महीने दे विच ते साडे सारे कर्जे लथदे ने। कर्जे? हां जी। वी घर से कितना लेते? असी कदी मुंह कोई डिमांड नहीं कीती। जी जी। घर वाले दी मर्जी हुंदी कोई 20,000 कोई 10,000 दे देवे ते बिस्मिल्लाह। सब तो सस्ता साडा है जगवाऊ है। ऐसे ये 10 रुपए भी ले लेंदा है। और अगर शुक्रिया इन्नी बारी कहंदा वो पता नहीं समझदा मैं करोड़ दे दित्ता। अपना चिड़ी साई वो तेरा ते आलना भी 5 मरले चोना है। लगता है आप तीनों मुशक्कत से खाइफ हैं। की कही जाना है? मेहनत से भागते हैं आप। अच्छा। लेजी हैं कि आसान काम मिल जाए। तेनों पंजाबी बोलनी पै जाना तेनों मौत पै जाती। जी माइंड ना करो भाजी अज तुसी भंग च डिगे हो। चले जाओ। अजे तुसी गरारी नहीं मेरे भरा दी सुनी, फिर गाओ जरा। अंधेरा मांग लिया छापर भरिया पिया गरारिया का। हाँ जी हाँ जी, पिछले साल मोटरसाइकिल की 2 चेंज की थी। जो बंदे साइकिल की चैन उतर जाने गरारी दम करा गल च पा लेता होंगे। अच्छा चिड़ी साई आप में क्या टैलेंट है? वो तो दोनों माशाल्लाह बहुत टैलेंट। प्रात ही फड़े हच कुत्ता। प्रात में कमाल है इसका, आपका क्या कमाल है? वैसे तू आ जाए ना कितने साडे कोल। सॉरी मैं इजी काम नहीं करता, मुझे मुश्किल टास्क पसंद। और तू साडे नाल टुर भी नहीं सकदा, तू इन्ना कितने हैगा। एहो जी चिड़ी एडा सोहना मटर बने ना अद्धा मल्ला राज्य। एहो जिहा भेंगा कहां किसे दे घोंसले च वड़ के चपेड़ा खा लेंदा। ओ खास अब तुसी ना हुंदे ते असीं कित्थे हसदे यार। ए ही होणे ने मैं ते राणा। भाजी इन्हां राणे दे तलवारां मैं वेखियां ने। वाह ये वे भरा ने करके तलवार कढ़ी है। क्या कहने? अज काक लाक एडी सुरीली तलवार बजाई। आपका नाम क्या सोच के रखा गया था? चिड़ी। एक्चुअली जो मैं पैदा होया सी ना, उदो मैं बिल्कुल स्मार्ट जिहा सी, लोग की मैंने चिड़ी कहंदे सी। ये बात हवा पर आई है। माशाल्लाह जो तू पैदा भी होया है ना उदो भी तू वे खरगोश जिहड़ा होएगा। अच्छा इहो जिहे खरगोश दे इक कन्न नूं बीमारी हुंदी है, थले डिगदा फिर इंज करके फिर इंज जांदा। ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਗਾਰਡਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਉੱਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਓ ਖਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਅਜੇ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ 'ਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਪੈ ਗਈ। ਕਿੱਡਾ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਤੇਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਐਡੀ ਚਿੜੀ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਠੂੰਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾੜ ਦਿੰਦੀ। ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੰਜ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੂਨਾ ਤੇਜ਼ ਲੱਗ ਗਿਆ। अच्छा सरदार साहब, ये जो सेंटर वाले हैं ना सफेद कपड़ों वाले, ये बड़े तेज हैं, झुकते अच्छी कर रहे हैं। तेज तो उसने उन्हें ईद का खर्चा नजर आ रहा है। कुकड़ी ये तो सामने गड़ेमा ले रही है तो कहना फालज हो गया। ऐसी मस्कीन गरीब जो है तो साड़ी को मदद का पर्स कौन ही है ना। टाइम आपने कर दिया हमारा जाया, अब आप हमें एंटरटेन करें फिर आपको ईदी मिलेगी। बिना जी 5,000 रुपया मेरे लो तिना। खैर ना तुसी देना 5 सानू। आया पहली बारी 5,000 दा नोट वेख्या कहंदा ईद कार्ड आया है। ए तुसी 5 देना? हां जी भाजी। ए घर किदा जाना? हां सा मेरे नाम मिर्जा लगदा है। हाडा ना गुजर भी नहीं लगदा। यार मैं 5,000 तक का बैठे नहीं, तुहाडी फुफी नु तलाक देंदा कह बैठे। नहीं तुसी 5 देना है। मैं नहीं देना जी बिना जी। मुझे बिल्ली होंगी क्या कहने।
यार खान साहब मैं समझ नहीं आ रही ऐ चिड़ी किवें में यार मैं चिड़ी सही प्राताला एडी चिड़ी तो टावर तक बह के टावर का लक दूरा कर देंगी ओ पाजी हैगी चिड़ी है पानी च पई रही है तुसी क्यों नहीं यार तू पंजी देना यार तू ओ यार मैं ही पंजी दा तुहानू वादा कीता सी तेरी निकाह ते जी ओ तू पंजी देना हां जी तेरे बिना कहते पंजी दे नोट ते आवे ते पप 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 थथा हो जांदा उथे आके ओ मेरी भी मरवाई हो वैसे भी ना मुझे तो लग रहा है ये लोग पीडीएम का किरदार अदा कर रहे हैं और पीटीआई की तरह सरदार साहब के पीछे पड़ गए पीडीएम का किरदार अदा ना करें हमारा टीडीएम तो देखो अच्छा आप एक बात बताएं कि सबसे मुश्किल सीजन कौन सा लगता है लोगों को जगाने सीजन टू सर्दियां का सीजन होता ना जनाब पौने नाल परात फड़नी पैंदी ऐसे प्राचे ने कोले पाए होंदे ने हल्की हल्की थल्लों खड़का रहा होंदा ਮਾਨ ਪਰ ਗਏ ਸਰ ਉਹਦਾ ਠਾਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨੰਗੇ ਹਾਂ ਲੋ ਫਿਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਘਣ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਔਰ ਯਹਾਂ ਪੇ ਲੇਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸਾ ਬ੍ਰੇਕ ਡੋਂਟ ਗੋ ਐਨੀਵੇਅਰ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਐਵਰੀਵਨ ਰਮਜ਼ਾਨੁਲ ਮੁਬਾਰਕ ਕਾ ਬਾਬਰਕਤ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਔਰ ਅਬ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇ ਨਾਤੇ ਰਸੂਲ ਮਕਬੂਲ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਅਲਿ ਵਸੱਲਮ ਕਾ ਔਰ ਨਾਤ ਕਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਂਗੇ ਹਸਨੈਨ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਕਹਾਂ ਹੈ ਅਰਸ਼ੇ ਮੌਲਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਤਮਾਮ ਦਹਰ ਕਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਯਕੀਨ ਯਕੀਨ ਸੇ ਨਿਕਲਾ ਹੂੰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੇ ਲੀਏ ਮੇਰੇ ਸਫ਼ਰ ਕਾ ਇਰਾਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾ ਸਫ਼ਰ ਕਾ ਇਰਾਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਣਤੇ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ
इसलिए कासिम उन्हें बनाया है। खुदा ने इसलिए कासिम उन्हें बनाया है के बांटने का करीना हुजूर जानते हैं के बांटने का करीना हुजूर जानते हैं। कहाँ है अर्शे मौला हुजूर जानते हैं। जज़ाकअल्लाह, बहुत खूबसूरत। और इसके साथ ही मस्तियाँ का वक्त भी ख़त्म होता है। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।